कहा जाता है कि जिंदगी में माँ बाप और गुरु के बाद सबसे अहम स्थान किसी का होता है तो वो है दोस्त। दोस्त जिसका मतलब होता है दो दिल एक धड़कन, जो जिंदगी को खास बना देता है, जो जिंदगी को जीने में सहायक होता है, जो फीलिंग को समझता है और साथ देता है, जिसके साथ जिंदगी के हर अध्याय का वर्णन किया जाता है। उसी दोस्ती को एक खास दिन बनाने के लिए हर साल 30 जुलाई पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाती है। इस दिन को फ्रेंडशिप डे के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को पहली बार 1958 में मनाया गया था। 27 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने 23 जुलाई को आधिकारिक तौर पर इस दिन को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे घोषित किया था। हालांकि कई देश इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित तारीख से पहले या फिर बाद में मनाते हैं। हालांकि भारत में फ्रेंडशिप डे हर अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। ओहियो में फ्रेंडशिप डे 9 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि नेपाल में ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंडशिप डे की शुरुआत 1935 में अमेरिका से हुई थी। अगस्त के पहले रविवार को अमेरिकी सरकार ने एक व्यक्ति को मार दिया था, जिसकी याद और गम में एक दोस्त ने सुसाइड कर ली थी। तभी से उस दिन को सरकार ने अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ये दिन हर साल दोस्तों के साथ उपहारों के आदान प्रदान और एक दूसरे के साथ आउटिंग की योजना के साथ मनाया जाता है। भारत में लोग एक दूसरे को रंगीन दोस्ती के बैंड और फूल देकर इस दिन को मनाते हैं और अपनी दोस्ती को अटूट बनाने का रास्ता बनाते हैं।